Good morning, all of you. I am Sambhu sir, your math teacher. Welcome back. Today we are going to discuss exercise 4.2. बेटा हमने आपको बार बार बोल रखा है कि आपको ये 1 to 10 ये आपको क्या लर्न करना है बेटा, ये आपको पहले स्क्वायर तो लर्न करना ही करना था। स्क्वायर के बारे में हमने पहले ही बोल चुके थे, तो 1 to मिनिमम हमने बोला था आपसे कि 1 to 20 को आप स्क्वायर्स को लर्न करने वाले हैं। और आप क्यूब की बात करें तो चलो ठीक है, 1 to 12, 15 तक ही आप कर लें। मिनिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम तो आप कर ही सकते हैं। क्यूब ये आपको लर्न करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। ये आपको आप जैसे ही 9th क्लास अप टू 8th जाते हैं, 9th, 10th, 11th, 12th, तो ये आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। क्या सर, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यू एंड क्यूब रूट, क्लियर हो रहा है? तो आई होप कि आप इन्हें लर्न करने वाले हैं, क्लियर। चलिए अब देखिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस थे हमारे एक्सरसाइज 4.2 से। 4.2 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो एच है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। एच वी हैव 729 into 216। देखिए बेटा, हमें क्या करना है सर, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। एक्चुअल में क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो सर, क्यूब रूट जो होता है वो किसी भी नंबर को, ये कोई नंबर है और ये क्यूब रूट फाइंड करना, मतलब ये नंबर रूट से बाहर, क्यूब रूट से बाहर जब भी आ सकता है कि वो कितना इक्वली कितना टाइम होगा सर, 3 times प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा। तो हम देखते हैं एक्चुअल में इसका क्यूब रूट फाइंड करते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 729 एंड क्यूब रूट ऑफ 216, ठीक। अब क्यूब रूट फाइंड करना है तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इनको सॉल्व करना होगा। बट बेटा आपको ये तो ध्यान रखना है, देखो हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि बेटा आपको लर्न करना है। क्या लर्न करना है? क्यूब, तो ऑब्वियसली क्यूब रूट आपको लर्न होंगे। अगर ये आपको पता होगा कि 729 इज अ क्यूब ऑफ विच नंबर, आप श्योर नहीं है कि किस नंबर का क्यूब होगा, आपको लर्न है तो आप एट ए टाइम पावर पुट कर देंगे, अदरवाइज फिर आपको वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना होगा। तो देखिए आप, फर्स्ट वन आप किसको सॉल्व करने जा रहे हैं सर, 729। सिर्फ एक को बता दे रहे हैं, एक का डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ पर देने वाले। तो देखिए, 3 3 जा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 20, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। एक्चुअल में ये जो वैल्यू होगा, ये 729 एक्चुअल में ये है किसके इक्वल सर, 3 into 3 into 3 into 3 into 3। और हम ये बता दें आपको कि 216 जो है इसका क्यूब रूट डायरेक्ट कितना होता है, 6। ये आपको, चलिए हमने इसको बता दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसी तरीके से इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो क्या आने वाले हैं सर, वो आपका आने वाला है 6, है ना। अब यहां से देखें तो ये क्या होगा, यहाँ से 3 रिमूव हो रहा है, यहाँ से 3 रिमूव हो रहा है और ये 6। और इसको सॉल्व करें, 3 3 जा 9 into 6। आप देखें ये जो 9 है एक्चुअल में, ये सेपरेटली किसका क्यूब रूट है? तो सर आप इसके अकॉर्डिंग जाएं तो देखिए, 3 729 इक्वल्स टू ये 9 हो रहा है और 6 216, मींस ये श्योर हो गया है कि जो 9 है उसका क्यूब 729 है और 6 जिसका क्यूब 216 है, मींस 2 digits। आपका 6 और 9 यहां लर्न होना चाहिए, 9 क्यूब ऑफ 9 इज 729, तो क्यूब रूट ऑफ 729 इक्वल्स टू 9। सर क्यूब ऑफ 6 इक्वल्स टू 216, तो क्यूब रूट ऑफ 216 इक्वल्स टू 6, क्लियर। तो ये होगा, मींस दैट वन क्या होगा, 9 6 जा, ये कितना हो गया, 54। इट्स योर आंसर। क्या करना था सर, क्यूब रूट फाइंड करना था। अब वो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस जो हो रहे हैं
पहले सिंपली क्यूब रूट का क्वेश्चन आ रहा था, अब विद ऑपरेशन मींस या तो प्रोडक्ट पूछ रहा है किसी टू नंबर्स के क्यूब रूट का, या उसको डिवाइड में कुछ पूछ रहा है जिससे आपको कोशेंट और रिमाइंडर के फॉर्म में मींस मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट होमवर्क आप इसके नोट करें और कुछ क्वेश्चंस को पर डे आप लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो होमवर्क है इसका एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आई यू हैव होमवर्क, जे भी होमवर्क के लिए जाएगा भाई, बहुत समय हो गया एक्सरसाइज को जल्दी, और की ये तीनों क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए ट्राई करना है। करना क्या है, सिमिलर मेथड है। अगर कोई डेसिमल का क्वेश्चन है तो पहले आप उससे डेसिमल रिमूव करने वाले हैं, दैट वन उसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसके प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, और फिर सिमिलर मेथड फॉलो करते हैं कि सर यहाँ से आपका इक्वली ट्रिपलेट क्रिएट हो रहा है, वो वहां से कोई नंबर कैसे रिमूव होगा उसी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर? थैंक यू ऑल ऑफ यू।